हेलो और फिर से स्वागत है स्पाइस बॉक्स में। आज स्पाइस बॉक्स में बनाएंगे तैलोमीन सूप। ये है एक इंडो चाइनीज वेजिटेरियन नूडल सूप जिसमें है बहुत सारी सब्जियां और बहुत सारे जायकेदार स्वाद। बनाने के लिए तैलोमीन सूप हमें चाहिए उबले हुए नूडल्स, वेजिटेबल स्टॉक, पत्ता गोभी, गाजर, सोया सॉस, काली मिर्च, नमक, शक्कर और कॉर्नफ्लावर। एक बड़े पैन में सबसे पहले डालेंगे वेजिटेबल स्टॉक, अब इसमें हम डालेंगे एक एक करके बाकी की सामग्री। मैं डालूंगी आधा चम्मच नमक, मैं डाल रही हूं एक चम्मच भर के काली मिर्च पाउडर जो यहां है मेरे पास, शक्कर आधी चम्मच, सोया सॉस जो है एक नहीं लगभग दो चम्मच, मिला लूंगी अच्छे से। पकाएंगे इसे धीमी आंच पर। जब तक ये उबल रहा है मैं बना लूंगी पेस्ट कॉर्नफ्लावर में से। अब हम डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लावर लिक्विड। एक बार आपने डाल लिया कॉर्नफ्लावर लिक्विड को चलाते रहिए कंटिन्यूअसली धीमी आंच पर। अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं थोड़ा सा और पानी इसमें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्जियां। सबसे पहले ये पत्ता गोभी और गाजर। मिला लूंगी इसे और इसे हम पकाएंगे 3 मिनटों के लिए। सूप अब पक रहा है अच्छे से। इसमें ऐड करेंगे उबले हुए नूडल्स। मिला लेंगे इससे भी। अब गैस को ऑफ करेंगे और सर्व करेंगे गर्मा गर्म। तो और किसे खाना है सूप? ये सूप बहुत ही अच्छा है वेजिटेरियंस और वीगन्स के लिए। तो आप इसे आज ही बनाइएगा।